एक पंथ दो काज तो आपने सुना होगा, है ना, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक पंथ तीन काज की, यानी कि एफर्ट एक और रिजल्ट उसके तीन, समझे? तो चलिए आज बनाते भी हैं और समझाते भी हैं। यानी कि आज हम बनाएंगे एक स्टफिंग यानी कि एक पंथ और उसे भरेंगे तीन अलग अलग वेजिटेबल्स में यानी कि तीन काज। और ये तीन वेजिटेबल्स हैं बैगन, भिंडी और करेला। और जानते हैं सबसे अच्छी बात जो मुझे इन भरवा सब्जियों की लगती है वो ये है, पहले तो ये बनती बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया, और दूसरा आप इसे बना करके लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। जैसे कि करेले हमारे घर में हफ्ते 10 दिन तक तो आराम से स्टोर किए जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं एक स्पेशल वाला, वो स्टफ्ड वेजिटेबल्स का मसाला यानी कि भरवा मसाला। ये मसाला आप सूखा बना के रखिए और 6 महीने तक 8 महीने तक जब तक चाहें इसे स्टोर कीजिए, और जब भी आपको स्टफ वेजिटेबल्स बनाने हो बस इस मसाले को स्टफ कीजिए अपनी वेजिटेबल्स में और हो जाएंगी स्टफ वेजिटेबल्स तैयार। वैसे अच्छा, पर्सनली मुझे ना स्टफ्ड करेले बहुत पसंद है, आपको कौन सी स्टफ्ड वेजिटेबल पसंद है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो हमारा आज का जो पंथ है वो है स्टफ्ड वेजिटेबल्स के लिए एक भरवा मसाला बनाना। ये एक सूखा मसाला बनेगा जिसे, जैसे मैंने आपको बताया, आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए पहले आप फटाफट से देख लीजिए कि इस भरवा मसाला में मैं क्या क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो पहला काम जानते क्या करेंगे, अपने एक पंथ यानी कि अपनी सूखे मसाले के लिए जो भरवा मसाला मैं बना रही हूँ ना, उसके लिए कुछ मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर उन्हें पीस लेंगे। तो कौन कौन से मसाले, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1/4 कप मेजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना के रखना चाहें ना, उसे उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। यानी कि अगर आपको इससे ज़्यादा मसाला बना करके स्टोर करना है तो आप इसका 2x, 3x, 4x जैसे चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 1/4 कप मेजर मैंने ले लिया है और इस मेजर के हिसाब से 2 भाग मैं ले रही हूँ खड़ा धनिया यानी कि होल कोरिएंडर सीड्स, और 1 पार्ट मैं लूँगी सौंफ, इसी के साथ 1 पार्ट मैं लूँगी जीरा भी, 1 पार्ट मैं लूँगी इसमें काली वाली सरसों, और अब इन चारों चीज़ों को मैं भून लूँगी जब तक कि जो जीरा है वो थोड़ा सा भुना हल्का सा फ्रेग्रेंट हो जाए, और इसी के साथ साथ ये धनिया भी थोड़ी सी फ्रेग्रेंट हो जाएगी। जब ये थोड़ा सा फ्रेग्रेंट हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी कलौंजी यानी कि मंगरेल, और उसी के साथ साथ मेथी का दाना भी। वो दोनों अभी क्यों नहीं ऐड कर रहे, इसलिए नहीं ऐड कर रहे क्योंकि अगर आपने मेथी और कलौंजी इसी के साथ भून दी ना तो वो थोड़ा सा कड़वाहट दे देगी, यू नो इट विल टर्न अ लिटिल बिटर। तो उसे बहुत कड़वा होने से प्रिवेंट करने के लिए, हाँ भाई मेथी तो वैसे ही कड़वी होती है, मंगरेल में भी होती है हल्की सी कड़वाहट, लेकिन और कड़वी ना हो जाए ना, इसीलिए उसे बाद में डालेंगे। तो पहले इसे भून लिया जाए। क्या बढ़िया इसकी भूनने की खुशबू आने लग गई है, और साथ ही साथ धनिया ने थोड़ा सा कलर भी ले लिया है। अब एट दिस स्टेज ऐड करेंगे हम इसमें मेथी और मंगरेल। अच्छा, क्योंकि मेथी और मंगरेल जैसे मैंने आपको बताया दोनों कड़वी होती है ना, तो दोनों की क्वांटिटी कम ऐड की होती है, यानी कि ये जो 1/4 कप है मेरे पास, इसका आधा जाएगा इसमें मेथी और आधी जाएगी मंगरेल। तो मसाले देखिए हमारे भून गए, बहुत अच्छी इनमें खुशबू आ चुकी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें हल्का हल्का सा धुआं भी उठने लग गया है क्योंकि इसका जो मॉइस्चर था ना वो सारा अब इवेपोरेट हो चुका है। अब इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ और पहले इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। तो जब तक हमारे मसाले ठंडे होते हैं तो हमारे वो तीन काज यानी कि हमारी तीन वेजिटेबल्स उनको तैयार कर लेते हैं ना। तीन जो वेजिटेबल्स मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो हैं करेला और बैगन और इसी के साथ साथ भिंडी। अच्छा, बैगन और भिंडी मैंने थोड़े छोटे साइज़ की ली है, करेला आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम करेले को छील लेंगे, एक पीलर की सहायता से करेले को छील लीजिए। ऐसे ही ये बैगन को भी हम ऊपर से कट कर देते हैं लाइक दिस, और भिंडी को मैंने धो करके पोंछ करके इसी तरह से स्लिट करके रख लिया है, ये देखिए ऐसे। अब ये जो करेले हैं ना, इन करेलों को मैं बीच में से पहले ऐसे आधा काट लूँगी और इनको स्कूप आउट करके इनका जो बीज है
वो निकाल दूंगी। तो बैगन भी हो गए यहाँ तैयार और करेले भी मैंने एम्प्टी आउट कर लिए हैं, भिंडी भी रेडी कर दी है। अब ये प्याज किस लिए, इसका राज बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। तब तक ये मसाले जो हमारे ठंडे हो चुके हैं ना, इन ठंडे मसालों को पहले पीस करके इनका एक पाउडर बना लें। लेकिन बहुत फाइन पाउडर भी नहीं रखना है और बहुत कोर्स भी नहीं रखना है, बस ग्रेनी टेक्सचर वाला पाउडर इसका हमें बना लेना है। बढ़िया, तो ये हमारा मसाला भी पिस के हो गया तैयार। जैसे मैंने कहा, हल्का सा इसे हम दरदरा रखेंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़े पिसे हुए मसाले में और मिलाऊंगी, वो भी उसी कप से उसी नाप से। अब इसमें मैं ऐड करूंगी एक पार्ट धनिया का पाउडर। जी हाँ, भुना धनिया भी ऐड करेंगे और ये धनिया का पाउडर भी इसमें जाएगा। एक भाग धनिया का पाउडर और एक ही भाग डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी। इसी के साथ एक भाग अमचूर यानी कि खटाई, एक भाग इसमें नमक भी ऐड करूंगी और इन सब को आप अच्छे से मिला लीजिए। तो ये तैयार हो गया हमारा भरवा मसाला, जिसे आप तैयार करके स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो 3, 4, 5, 6 महीने के लिए, एग्जैक्टली वैसे जैसे आप अपना गरम मसाला स्टोर करते हैं। इसे एक बार चख लीजिएगा, इसका नमक आपको थोड़ा तेज लगना चाहिए और साथ ही साथ में खट्टाई भी थोड़ी सी तेज लगनी चाहिए। अगर नमक कम लगे तो नमक थोड़ा इसमें और बढ़ा दीजिए, और खटाई भी अगर कम लगे तो वो भी थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। तो इसे टेस्ट कर लिया जाए। परफेक्ट, थोड़ा खटाई इसमें मैं और मिला देती हूँ। तो हाफ पोर्शन यानी कि आधा भाग, यानी कि अब खटाई कितनी हो गई, 1.5 कप या 1.5 भाग खटाई। तो इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब ये जो सूखा भरवा मसाला मैंने बनाया है ना, इससे मैं बैंगन और भिंडी को तो इमीडिएटली स्टफ कर सकती हूँ। और हाँ, अगर मुझे इस करेले में भरना है तो प्याज, हरी मिर्च, आप चाहें तो थोड़ा सा लहसुन भी, और उसी के साथ साथ अगर कच्चे आम मार्केट में आ रहे हो तो कच्चा आम भी पीस करके इस मसाले के साथ मिला करके भरिएगा, देखिएगा कितना मजा आता है। तो वो भी कर लिया जाए। तो लीजिए, एक पंत तो हो गया। अब ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसे बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज भरवा सब्जियों में कितना स्वाद आया था। अब इन करेलों को फिनिश करने के लिए जानते हैं, पहले या तो मुझे इन्हें नमक के पानी में भिगो करके रखना पड़ेगा, या नमक के पानी के साथ आप इन्हें उबाल सकते हैं, या केवल नमक लगाकर भी आप इन्हें छोड़ सकते हैं ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो हम भी यही करेंगे, पहले करेलों को उबालने के लिए चढ़ा देंगे नमक के साथ। तो इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 टीस्पून नमक। घबराइए मत इतना सारा नमक सुनकर, क्योंकि ये सारा नमक पानी के साथ अभी बह जाएगा। तो इसे पहले उबाल पे आने देते हैं। तो करेले बॉईल करने चढ़ा दिए, इन्हें ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट तक पक जाने देते हैं। तब तक क्या करेंगे, तब तक प्याज और कच्चा आम उसे चॉप कर लेते हैं और उसको पीस करके उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो अनियंस डन, ये कच्चा आम इसे भी काट करके मैं इसमें मिला दूंगी और अब इसको पीस करके इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो हमारा मसाला भी पिस चुका है, इसे निकाल लेते हैं। और अब अगर 1 कप मेरे पास है प्याज और आम का पेस्ट, तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप ये पिसा हुआ मसाला भी। इसे मिक्स कर लीजिए। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊं आपको, मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/2 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, उससे देखिए करेले के मसाले में क्या जान आ जाती है। तो बोथ माई मसालाज डन, बोथ माई वेजिटेबल्स ऑल्सो रेडी। जी हाँ, करेले भी पक चुके हैं और इनको मैं अब छान करके निकाल लेती हूँ। करेला ऑल्सो डन। अब अपने पैन में मैं यहाँ पर
आधा कप सरसों का तेल गरम करने चढ़ा दे रही हूँ। इसे रिफाइंड ऑयल की जगह आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा और देखिएगा इसका टेस्ट कितना बेहतरीन आता है। और अब इस करेले के अंदर ये मसाला भर देंगे और कीप दिस ओवर हियर। और जानते हैं ये जो वेट मसाला है ना, जो गीला मसाला, आप इसे टिंडे में भी भर सकते हैं और परवल में भी भर सकते हैं और इसी तरह से भरवा टिंडा और भरवा परवल भी बना सकते हैं। एक मिनट, ये तो फिर एक पंथ और पांच काज हो गए ना। तो जैसे मैंने करेला भर लिया है ना, अब सूखे मसालों के साथ बैगन और भिंडी को भर लिया जाए। तो अब ये सूखा मसाला जो है, बैगन को आप ऐसे ओपन कीजिए और इसमें ये मसाला भर दीजिए लाइक दिस। आप चाहें तो इस मसाले में थोड़ा सा ऑयल मिला करके भी इसमें भर सकते हैं। ऐसा करने से ये मसाला फैलता नहीं है, बट मैं इसे ऐसा सूखा ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जा तो ये ऑयल में ही रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा तेल की कंजम्पशन नहीं चाहिए। इसी पैन में मैं ये बैगन भी रख दे रही हूँ और ऐसे ही ये भिंडी भी स्टफ कर ली जाए। ऐसे ही ये भिंडी भी मैंने इस पैन में लगा दी। तो करेला पकने में ज़्यादा समय लगता है ना, इसलिए पहले करेला, फिर बैगन और उसके बाद सबसे छोटी भिंडी। और इसी ऑर्डर में इसे बाहर भी निकाल लेंगे, यानी कि पहले हम भिंडी निकाल लेंगे, उसके बाद बैगन और एंड में आएगा करेला बाहर। तो इसे पकने दिया जाए। तो जैसे जैसे ये एक तरफ से लाल होता जाएगा आप इसे पलट दीजिएगा। भैया गजब, कातिल आना है इसकी खुशबू। और जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि भिंडी सबसे पहले पक जाएगी, तो सबसे पहले हम इस भिंडी को निकाल लेते हैं, सबसे नन्ही मुन्नी सी जो है ये। और अब ये बैंगन भी निकाल लिए जाए। करेले जब अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे ना, करेले भी हम निकाल लेंगे। लीजिए, ये करेले भी भर गए और हो गए रेडी हमारे तीन पंथ। और हाँ, तीन पंथ से पहले उनका काज भी। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सूखा मसाला तो आप बना करके भाई रख लीजिए, जब मन करे इसे निकालिए, टिंडे में, भिंडी में, बैगन में, परवल में, कुंदरू में, किसी भी सब्जी में इसे स्टफ करके बनाइए। यकीन मानेंगे, मेरी बेटी तो इसे पनीर के साथ भी कुक करके बहुत एंजॉय करती है। तो क्या ख्याल है आज के एक पंथ और तीन काज का? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज की ये डिलिशियस वाली डिलिशियस रेसिपी आपको कितनी डिलिशियस लगी। एक दो तीन बार डिलिशियस भी आ गया, देखा।